हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आज का हमारा टॉपिक है मूवमेंट्स ऑफ जीआईटी ट्रैक या फिर ओरल टू एबोरल मूवमेंट्स सो मूवमेंट्स कैसी होती हैं हमारी गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में या फिर ओरल टू एबोरल मूवमेंट्स क्या होता है सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो सो गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोवमेंट्स सो गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स का क्या मतलब है जी आई टी मोटिलिटी रेफर्स टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ जी आई टी ट्रैक फॉर मिक्सिंग एंड प्रोपेलिंग ऑफ इट्स कॉन्टेंट्स So, इसका मतलब है कि सबसे पहले जो हम फूड है वो फूड हम माउथ से लेते हैं मीन्स ओरल कैविटी से फूड एंटर होता है हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में देन फूड ओरल कैविटी से आगे मूव होता है स्टमक में स्टमक से इंटेस्टाइन में जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में फर्स्ट देन लार्ज इंटेस्टाइन में एंड देन अल्टीमेटली एनस से एलिमिनेट हो जाता है सो so, इसका मतलब है कि फूड ओरल कैविटी से हम लेते हैं मीन्स ओरल टू एबोरल का मतलब है अवे फ्रॉम माउथ सो माउथ से दूर देन फूट जाता है अवे जाता है टूवर्ड्स द एन सो एन की तरफ फूट जाता है एंड अल्टीमेटली डिफिकेट हो जाता है मीन्स एन से एलिमिनेट हो जाता है सो so, इसको कहते हैं टू एबोरल मूवमेंट मतलब फूड हमारा ओरल यानी माउथ से एंटर होता है एंड एबोरल मतलब टूवर्ड्स द एनस अवे फ्रॉम माउथ फूड जाता है और एनस से एलिमिनेट हो जाता है ना गैस्ट्रो इंटेस्टेनल मूवमेंट्स या फिर ओरल टू एबोरल मूवमेंट क्यों होती है जो हमारे स्मूथ मसल्स प्रेजेंट है जी आई टी ट्रैक में वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट क्यों होते हैं ताकि जो फूड है वो अच्छे से मिक्स हो जाए जो भी जूसेज हमारे गैस ट्रो ट्रैक में रिलीज होते हैं उसके साथ मिक्स हो जाए एंड देन फूड आगे की तरफ पुश हो जाए जिसको कहते हैं प्रोपेलिंग ऑफ फूड और फूड आगे पुश होता जाए आगे आगे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में एंड अल्टीमेटली फॉरवर्ड पुश होकर एन एस से एलिमिनेट हो जाए सो दिस इज कॉल्ड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स नाउ जी आई टी मूवमेंट इज कॉमनली डिवाइडेड इन टू फाइव पार्ट्स सो फाइव पार्ट्स में ये मूवमेंट्स डिवाइड है सो so, फर्स्ट हम किससे लेते हैं फूड माउथ से सो फर्स्ट पार्ट क्या है माउथ सो फर्स्ट इज माउथ देन फूड का एंटर होता है हमारे ईसोफेगस में सो so ये जो लॉन्ग ट्यूब है दैट इज फूड पाइप इसको कहते हैं ईसोफेगस देन ईसोफेगस के बाद फूट जाता है स्टमक में स्टमक से देन स्मॉल इंटेस्टाइन से एंड स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में सो लार्ज इंटेस्टाइन से अल्टीमेटली फूड एन एस से एलिमिनेट हो जाता है इसलिए जी आई टी को फाइव पार्ट्स में डिवाइड किया है माउथ से लेकर लार्ज इंटेस्टाइन तक नाउ सबसे पहले हम माउथ में पढ़ेंगे कि माउथ में क्या मूवमेंट होती है सो so, माउथ में क्या होता है मेस्टिकेशन और चुइंग सो मेस्टिकेशन या फिर चुइंग क्या होता है फूड को चबाना सो फूड इज कट और क्रश्ड इनटू स्मॉल पार्टिकल जैसे ही माउथ में हम फूड लेते हैं सो so, हम फूड को क्या कहते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्रश कर देते हैं या फिर कट कर देते हैं तब उस जो वो फूड जब स्मॉल पार्टिकल्स में क्रश हो जाता है तब उसको बोलते हैं सॉफ्ट बॉलस या फिर सिंपली बॉलस बोल देते हैं क्योंकि वो फूड स्मॉल पार्टिकल्स में चर्न हो गया है क्रश हो गया है अब वो सॉफ्ट बन बन गया है है और एक बॉल की फॉर्मेशन जाती है, जिसको बोलते हैं अब या फिर मेस्टिफिकेशन हम क्यों करते हैं माउथ में सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चूइंग या फिर मेस्टिफिकेशन है ये क्या है, Voluntary process है, ये हम अपने आप करते है अपनी विल से अ, हम चू करते हैं सो so सिग्निफिकेंस इसका क्या है ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन स्मॉलर पार्टिकल फूड छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है वो देन जब फूड को हम च्यू करते हैं सो so फूड के साथ सलाइवा मिक्स हो जाता है सलाइवा के मिक्स होने का ये एक तो फंक्शन क्या है कि फूड क्या हो जाता है लुब्रिकेट हो जाता है सो फूड लुब्रिकेट हो जाएगा और मॉइस्ड हो जाएगा जिसकी वजह से वो एक बॉल्स बन जाता है एंड वो बॉल्स ईजिली हम स्वेलो कर सकते हैं निगल सकते हैं सेकेंड फंक्शन मिक्सिंग ऑफ सलाइवा सलाइवा इसलिए मिक्स होता है ताकि सलाइवा जो कार्बोहाइड्रेट्स है स्टार्च है उसको डाइजेस्ट कर सके क्योंकि सलाइवा में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि सलाइवरी या माइलेज सो so, चुइंग का ये सिग्निफिकेंस है देन माउथ में ही जो दूसरा प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं डिग्लूटेशन या फिर स्वेलोइंग सो स्वेलोइंग का अनदर नेम है डीग्लूटेशन स्वेलोइंग मतलब निकलना सो so, जैसे ही यहाँ पर ये डायग्राम में दिखाया हुआ है कि फूड हमने एंटर किया माउथ में फूड है ये रहा फूड सो so, ये ग्रीन कलर का फूड दिखाया हुआ है माउथ में देन माउथ से फूड हम स्वेलो करेंगे सो so, स्वेलोइंग के लिए तीन स्टेजेस आती हैं सो so, स्वेलोइंग का क्या मतलब है कि फूड से हमने माउथ uh, से हमने फूड को स्वेलो किया एंड फूड अल्टीमेटली माउथ से कहाँ पर पहुँचाना है हमने स्टमक में सो दिस इज स्टमक सो स्टमक में अल्टीमेटली फूड पहुँच जाएगा स्वेलोइंग इज द प्रोसेस बाई विच फूड मूव्स फ्रॉम माउथ इन टू स्टमक इसमें थ्री स्टेजेस आती है फर्स्ट आता है ओरल स्टेज सो ये ओरल स्टेज है ओरल नेम से ही क्लियर है इसमें क्या होगा फूड माउथ से फेरिंग्स में मूव होगा माउथ टू फेरिंग्स ये एक वॉल्यूंट्री स्टेज है वॉल्यूनट्री का मतलब अपने विल से होता है सो so, ये है माउथ और माउथ से फेरिंग्स सो दिस इज फेरिंग्स सो ये फेरिंग्स है माउथ से हमने फूड को जब फेरिंग्स में मूव होता है उसको बोलते हैं ओरल स्टेज और ये वॉल्यूनट्री स्टेज है सो so, ये है फेरिंग्स और फेरिंग्स में फूड जो है मूव हो गया है देन सेकेंड स्टेज आती है फेरिंजियल स्टेज सो स्पेसिफिकली जो फेरिंग्स जिसमें मूव होता है फूड उसको बोलते हैं ओरो देन फेरेंजियल स्टेज क्या है फूड मूव फ्रॉम फेरिंग्स टू ईसोफेगस अब फेरिंग्स से फूड जो है ईसोफेगस में जाएगा सो so ये क्या है ईसोफेगस जिसको हम फूड पाइप बोलते हैं अब यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं कि फूड फेरिंग्स के आगे क्या प्रेजेंट है लैरिंग्स प्रेजेंट है सो so फेरिंग्स के आगे लैरिंग्स प्रेजेंट है ट्रैकिया प्रेजेंट है जिसको विंड पाइप बोलते हैं सो so फूड जब हम स्वेलो करते हैं माउथ से तो फूड विंड पाइप में भी जा सकता है लेकिन फूड विंड पाइप में नहीं जाता उसके लिए कौन कौन चीज़ें प्रिवेंट करती हैं जैसे कि हमारी वोकल कोड्स या फिर लैरिंग्स या फिर एपिग्लोटिस सो so ये एपिगलोटिस क्या करता है लैरिंग्स को कवर कर लेता है जिससे फूड किस में जाता है डायरेक्ट ईसोफेगस में सेकेंड थिंग वोकल कोड्स भी मूव होती हैं एंड लैरिंग्स लैरिंग्स इट सेल भी अपवर्ड मूव होता है जिसके कारण फूड डायरेक्टली इसो में जाता है विंड पाइप में नहीं जाता एक और चीज़ यहाँ पर होती है कि फ्यू सेकेंड्स के लिए जो हमारी रेस्पिरेशन है वो अरेस्ट हो जाती है रेस्पिरेशन फ्यू सेकेंड्स के लिए बंद हो जाती है जिसको कहते हैं डीकलूटेशन एपनिया सो so, रेस्पिरेशन थोड़े टाइम के लिए बंद हो जाती है जिसको बोलते हैं डिग्लूटेशन एपनिया वोकल कोड्स लैरिंग्स और एपिगलोटिस भी मूव करते हैं जिसके कारण फूड विंड पाइप में नहीं जाता डायरेक्टली ईसोफेगस में जाता है और इसको बोलते हैं डिग्लूटेशन रिफ्लेक्स डिग्ल्यूटेशन रिफ्लेक्स क्या है कि फूड को प्रिवेंट किया जाता है विंड पाइप में एंटर होने से ताकि फूड डायरेक्टली फूड पाइप में ही जाए सो so, ये है फेरेंजियल स्टेट जिससे फूड फेरिंग से ईसोफेगस में जाता है देन थर्ड है ईसोफेजियल स्टेज ईसोफेजियल स्टेज में फूड कहाँ पर आ गया है ईसोफेगस में आ गया है सो दिस इज लॉन्ग ये ईसोफेगस है so, सो फूड ईसोफेगस में आ गया है अब फूड ईसोफेगस से स्टमक में जाएगा so, सो ईसोफेगस से फूड स्टमक में जाना इसको बोलते हैं ईसोफेजियल स्टेज सो so, जो फेरेंजियल और ईसोफेजियल स्टेज है ये दोनों इनवोल्यूनट्री स्टेज है ये अपनी विल से नहीं होती ऑटोमेटिकली होती है देन ईसोफेजियल स्टेज को हम डिटेल में पढ़ लेते हैं नाउ यहां से जो रियल मूवमेंट्स हैं हमारे इनवोल्यूट्री uh, मूवमेंट्स जो हमारे जी आई टी ट्रैक में होती है वो स्टार्ट होंगी सो ईसोफेगस फॉर्म्स पैसेज फॉर मूवमेंट ऑफ बॉल्स फ्रॉम फेरिंग्स टू स्टमक अब जो बॉलेस है वो फेरिंग्स से स्टमक में जाएगा किसके थ्रू ये लॉन्ग फूड पाइप के थ्रू जिसको बोलते हैं ईसोफेगस अब ईसोफेगस में जो मूवमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं पेरिस्टेल्सिस सो पेरिस्टेलिस मूवमेंट बोलते हैं और पेरिस्टेलिस क्या होती है व्हेन बोलस रीचेज द ईसोफेगस जब बोलस ईसोफेगस में पहुंच जाता है बोलस क्या है जो फूड हमने च्यू किया था मेस्टिकेट किया था जो फूड उसको बोलते हैं बोलस पेरिस्टेल्सिस मींस अ वेव ऑफ कंट्रेक्शन फॉलोड बाय वेव ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ मसल फाइबर्स ऑफ जी टी अब जो जी आई टी गैस्ट्रो इंटरस्टाइनल ट्रैक या फिर ईसोफेगस के जो स्मूथ मसल्स हैं वो पहले उनमें एक वेव ऑफ कंट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन होगी वेव मतलब कि पहले पहले जो स्मूथ मसल्स हैं जीआईटी के वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर हम कॉन्ट्रैक्शन देख रहे हैं एंड फॉलोड बाय रिलैक्सेशन और यहाँ पर ये यह मसल्स क्या हो रहे हैं रिलैक्स हो रहे हैं सो ये वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है मतलब एक वेव के बाद एक वेव कॉन्ट्रैक्शन की आती है देन वेव रिलैक्सेशन की आती है सो so, इसको क्या बोलते हैं पेरिस्टेल्सिस की जो मसल फाइबर्स हैं जीआईटी ट्रैक के वो एक वेव की तरह पहले कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एंड फिर रिलैक्सेशन होते हैं अब ये जो पेरिस्टेल्सिस कॉन्ट्रैक्शन है या फिर पेरिस्टेल्सिस वेव है ये ओरल कैविटी से किस किस डायरेक्शन में फॉलो होती है टूवर्ड्स अ एनस मीन्स अवेव फ्रॉम द माउथ दैट इज औरल टू ए डायरेक्शन में होती है कभी भी ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं होगी हमेशा टूवर्ड्स अ एनस होगी Now, पेरिस्टेल्सिस क्यों होती है पेरिस्टेल्सिस फूड को आगे पुश करने के लिए होती है सो so, इस डायरेक्शन में फूड पुश हो प्रोपेल हो उसके लिए पेरिस्टेल्सिस कॉन्ट्रेक्शन होती है सो वेन फूड रिचिज डिस्टल पार्ट ऑफ ईसोफेगस जब फूड पहले तो एंटर हुआ तो पेरिस्टेल्सिस स्टार्ट हो गई एंड जब फूड डिस्टल पार्ट मतलब यहाँ पर एंड पर पहुंच जाता है ईसोफेगस के तब क्या होता है जो लोअर ईसोफेजियल फ्रिंक्चर लोअर ईसोफेजियल फ्रिंक्चर कहाँ होता है ईसोफेगस और स्टमक के बीच में जो फिंक्चर होता है वो क्या हो जाता है रिलैक्स हो जाता है जिससे फूड एंटर हो जाता है स्टमक में एंड जब फूड स्टमक में एंटर हो जाता है तब ये जो फिंक्चर है ये क्लोज हो जाता है ताकि फूड का बैक फ्लो ना हो ईसोफेगस में नाव मूवमेंट्स ऑफ स्टमक सो स्टमक में कैसे जी आई टी मूव करती है हमने पहले देख लिया कि माउथ में कैसे जी आई टी मूव करती है एंड देन ईसोफेगस कैसे मूव करता है नाव मूवमेंट्स ऑफ स्टमक सो मूवमेंट ऑफ स्टमक थ्री टाइप से होती है फर्स्ट है हंगर कॉन्ट्रेक्शन सेकेंड रिजेप्टिव रिलैक्सेशन एंड थर्ड पेरिस्टेल्सिस अगेन सो फर्स्ट है हंगर कॉन्ट्रेक्शन हंगर कॉन्ट्रेक्शन क्या होता है नेम से क्लियर हंगर मतलब जब हमें भूख लगी हो इट मीन्स स्टमक एमटी है तब उस टाइम पर स्टमक जब एमटी है उसमें फ़ूड नहीं है तो वहाँ स्टमक की जो स्मूद मसल है इट मीन्स गैस्ट्रिक स्मूद मसल्स वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं प्लस जो वहाँ की पेरिसल्टिक वेव्स हैं उनमें भी कॉन्ट्रेक्शन्स होती हैं सो स्टमक अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट होता है जब उसमें फूड नहीं होता सो so, ये आपने खुद भी ऑब्जर्व किया होगा जब आप एमटी स्टमक होते हैं तो आपको स्टमक में कॉन्ट्रेक्शन फील होती हैं दिज आर कॉल्ड हंगर कॉन्ट्रेक्शन सेकेंड इज रिसेप्टिव रिलैक्सेशन रिसेप्टिव रिलैक्सेशन का मतलब है कि जब स्टमक फूड को रिसीव कर लेता है उस टाइम जो स्टमक का अपर पार्ट होता है मीन्स जो फंडस होता है वो रिलैक्स हो जाता है ताकि फूड अंदर एंटर हो सके स्टमक में सो so ये है रिसेप्टिक रिलैक्सेशन सो जब फूड स्टमक में एंटर हो रहा है सो so जो स्टमक का अपर पार्ट है मीन्स जो फंडस है वो रिलैक्स है ताकि जो बॉल्स है जो फूड है वो अंदर स्टमक में एंटर हो सके जिसको एकोमोडेशन ऑफ फूड इन स्टमक भी बोलते हैं नाउ पेरिस्टेल्सिस इन स्टमक सो स्टमक में भी पेरिस्टेल्सिस होती है इसोफेगस की तरह पेरिस्टेल्सिक वेव अपीयर फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ बॉडी टिल पाइलोरिक स्विंचर, बट जो स्टमक में पेरिस्टेल्सिस होती है वो फंडस मतलब अपर पार्ट है जो स्टमक का उसमें पेरिस्टेल्सिस नहीं होगी वो पायलोरस से स्टार्ट होगी सो so, जो पायलोरस है वहाँ पर पेरिस्टेल्सिस होगी और कहाँ तो कहाँ तक होगी पायलोरिक स्विंक्चर तक सो so, ये पायलोरिक स्विंक्चर है दिस वन सो यहाँ तक पेरिस्टेल्सिस होगी ताकि अल्टीमेटली जो फूड है वो स्मॉल इंटस्टैंड डिओडेनम जो कि फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटस्टैंड का वहाँ पर एंटर हो सके अगर जो कॉन्ट्रेक्शन है फर्स्ट तो वो लाइट कॉन्ट्रेक्शन होती हैं जैसे जैसे वो पाइलोरस की तरफ जाती रहती हैं कॉन्ट्रेक्शन और ज़्यादा डीप होती जाती हैं जिससे पायलोरिक्स प्विचर रिलैक्स हो जाता है ओपन हो जाता है एंड अल्टीमेटली जो फूड है वो किस में एंटर हो जाता है स्मॉल इंटस्टैंड में डिओडेनम में ना फूड जब एंटर हुआ था स्टमक में तो उसको बोलते हैं बॉलस लेकिन वो बॉल्स जो फूड है वो स्टमक में अराउंड थ्री टू फोर आवर्स तक रहता है थ्री टू फोर आवर्स तक रहता है ताकि उसमें जो जो फूड या बॉल्स प्रेजेंट है स्टमक में उसमें जो गैस्ट्रिक जूस है वो अच्छे से मिक्स हो जाए एंड जो फूड है उसका डाइजेशन पार्शली डाइजेशन अच्छे से हो सके सो तो इसलिए थ्री टू फोर आवर्स तक फूड स्टमक में ही रहता है इट uh, डिपेंड्स कि फूड की कंसिस्टेंसी कैसी है अगर फूड फैट्स हैं प्रोटीन्स हैं काब्स हैं सो काब्स जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रोटीन्स एंड फैट्स सबसे लेट डाइजेस्ट होते हैं सो so वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का फूड आपने लिया है अगर फ्लूड्स हैं तो वो ईज़ली डाइजेस्ट हो जाते हैं ईजली पास हो जाते हैं आगे सो so, uh, अब जब फूड या फिर बॉलस गैस्ट्रिक जूसेस से मिक्स हो गया है तब उ, उस फूड को क्या बोलते हैं काइम सो so, काइम क्या है पार्शली डाइजेस्टेड फ़ूड विद गैस्ट्रिक जूस सो फूड जो है थ्री टू फोर आवर्स के लिए स्टमक में रहता है ताकि फूड जो है अच्छे से गैस्ट्रिक जूसेस से मिक्स हो सके कायम बन सके एंड फ़ूड की क्या हो सके ग्राइंडिंग हो सके और ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल्स में फ़ूड ग्राइंड हो जाए जिसको चर्निंग भी कहते हैं नेक्स्ट है मूवमेंट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन में मूवमेंट्स कैसे होती है मूवमेंट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन आर एसेंशियल फॉर मिक्सिंग द काइम विद डाइजेस्टिव जूसेस अब जो काइम एंटर हुआ है काइम किसको बोला है जब स्टमक से जो फूड बॉलस है उसमें गैस्ट्रिक जूसेज मिक्स हो गए हैं अब वो फूड क्या है एसिडिक फूड है और वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर हुआ है जिसको बोला है काइम सो काइम अब स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टिव जूसेज के साथ अच्छे से मिक्स हो सके सो इंटेस्टाइन में कौन कौन से जूसेज आते हैं इंटेस्टाइनल जूसेज पैंक्रिएटिक जूस और बाइल उससे अच्छे से मिक्स हो सके एंड फूड आगे की तरफ प्रोपेल हो सके लार्ज इंटेस्टाइन में एंड जो फूड से एब्जॉर्प्शन होनी है न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन होनी है वो हो सके इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन में मूवमेंट्स होती हैं सो स्मॉल इंटेस्टाइन में टू मूवमेंट्स होती है फर्स्ट so, मूवमेंट है मिक्सिंग मूवमेंट जिसको बोलते हैं सेगमेंटेशन सो सेगमेंटेशन मिक्स करती है फूड को जूसेस के साथ प्रोपल्सिव मूवमेंट अगेन पैरिस्टेल्टिक मूवमेंट जो आगे फूड को पुश करती है सो so, हमने देखा कि पेरिस्टेलिसिस कहाँ से, से स्टार्ट हो जाती है इसोफेगस स्टार्ट हो जाती है इसोफेगस दैन स्टमक अब स्मॉल इंटेस्टेंट में भी पेरिस्टेलिस हुई है फूड को आगे मूव करने के लिए नाउ फर्स्ट हम देख लेते हैं सेगमेंटेशन कॉन्ट्रेक्शन क्या होती हैं प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ काइम विथ डाइजेस्टिव जूसेस काइम जो फूड स्टमक से आया है उसके मिक्सिंग हो जाए अच्छे से डाइजेस्टिव जूसेस के साथ जो कि इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं जैसे कि पैंक्रेटिक जूस बाइल और इंटेस्टाइनल जूस अब सेगमेंटल कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है ये आप सेगमेंट्स देख रहे हैं सो so, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में सेगमेंट्स बने हुए हैं ये सेगमेंट्स क्या है रेगुलर इंटरवल पर है पहले रिलैक्सेशन फिर कॉन्ट्रैक्शन फिर रिलैक्सेशन फिर कॉन्ट्रैक्शन फिर रिलैक्सेशन फिर कॉन्ट्रैक्शन सो ये इक्वल इंटरवल्स पर रेगुलर इंटरवल्स पर ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही है और ये कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन क्या है ऑल्ट ऑल्टरनेट है ऑल्टरनेट का मतलब जो पार्ट पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ था फिर वो रिलैक्स होगा एंड जो पार्ट रिलैक्स हुआ था पहले फिर वो कॉन्ट्रैक्ट होगा अब सेगमेंटल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है कि फूड अच्छे से मिक्स हो जाता है डाइजेस्टिव जूसेस के साथ कॉन्ट्रैक्शन अकर एट रेगुलर स्पेस इंटरवल और रेगुलर इंटरवल पर यह कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही है ऑल्टरनेट सेगमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है विच गि अपियरेंस ऑफ रिंग्स अब ये रिंग की तरह अपेयरेंस दे रहा है ये ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन आफ्टर सम टाइम कॉन्ट्रैक्टेड सेगमेंट रिलैक्स एंड रिलैक्स सेगमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट सो क्या होगा जो सेगमेंट पहले कॉन्ट्रैक्ट था वो रिलैक्स हो जाएगा जो रिलैक्स था कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा सो so, ऐसे ही ऑल्टरनेटिवली होता रहता है जिसकी वजह से सेगमेंट्स और रिंग्स बनती हैं और इसकी वजह से जो काइम है वो डाइजेस्टिव जूसेस के साथ अच्छे से मिक्स हो जाता है देन है पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट सो जैसे स्टमक में या इसोफेगस में पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट होती है उसी तरह से आ, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके स्मूथ मसल्स भी इसी तरह से पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट शो करती हैं वेव ऑफ रिलैक्सेशन देन वेव ऑफ कॉन्ट्रेक्शन जिसकी वजह से फूड आगे पुश होता है सो so, ये आप डिफरेंस देख रहे हैं दिस साइड ये क्या है पेरिस्टाइलिस और इस साइड ये क्या है सेगमेंटल कॉन्ट्रेक्शन सो ये आप डिफरेंस देख सकते हैं सो so, पेरिस्टैलिस की वजह से क्या हो रहा है फूड आगे पुश हो रहा है Uh, जो काइम है वो आगे पुश हो रहा है एबोरल डायरेक्शन में टूवर्ड्स एनस और सेगमेंटल कॉन्ट्रेक्शन में फूड मिक्स हो रहा है देन मूवमेंट ऑफ विलाई हमारे स्मॉल इंटस्टेंट में विलाई भी प्रेजेंट होती हैं जो कि हेयर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं और ये विलाई का क्या काम होता है एबजॉर्बशन ऑफ न्यूट्रियट्स फ्रॉम फूड सो ये जो स्मॉल इंटेस्टेंट का ल्यूमन है वहाँ से फूड में से न्यूट्रियस को एब्सॉर्व करती है सो so, जैसे मूवमेंट्स होती हैं स्मॉल इंटेस्टेंट में पेरिस्टेल्सिस और सेगमेंट सो so, उसकी वजह से विलाई भी मूव करती हैं नेक्स्ट इज मूवमेंट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन सो एंड में लार्ज इंटेस्टाइन की मूवमेंट भी देख लेते हैं इसमें भी दो होती है मिक्सिंग और प्रोपल्सिव मूवमेंट मिक्सिंग मूवमेंट वही सेगमेंटेशन कॉन्ट्रैक्शन और प्रोपल्सिव मूवमेंट क्या रहेंगी मास पेरिस्टेल्सिस इसमें पेरिस्टेल्सिस डिफरेंट होता है वैसे स्मॉल स्मॉल वेव्स नहीं होती मास एक लार्ज पेरिस्टेल्टिक वेव होती है जिसको मास पेरिस्टेल्सिस या फिर मास मूवमेंट भी कहते हैं सो फर्स्ट इज सेगमेंटेशन कॉन्ट्रैक्शन सेगमेंटेशन कॉन्ट्रैक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में स्मॉल सेगमेंट्स होते हैं लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में लार्ज सेगमेंट्स होते हैं सो लार्ज सर्कुलर कॉन्ट्रेक्शन डिस्टेंस इन कॉलोन सो जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में सेगमेंटल कॉन्ट्रेक्शन होती हैं, स्मॉल सेगमेंट्स बनती है लार्ज इंटेस्टाइन में जस्ट डिफरेंस इतना है लार्ज सेगमेंट बनते हैं देन मास पेरिस्टेल्सिस या फिर मास मूवमेंट क्या होता है मास मूवमेंट और मास पेरिस्टेलिस प्रोपेल द फीसिस फ्रॉम कोलोन टूवर्ड्स एनस सो मास पेरिस्टेलिस क्या है सो so, ये पेरिस्टेलिस देख रहे हैं ये मास है मीन्स लार्ज पेरिस्टेलिस है एक स्वीप आती है स्वीप का मतलब है कि जो आ, फीसिस प्रेजेंट है अब जो आ, फूड आया है आगे लार्ज इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन से वो क्या है फीसिस हैं जो अल्टीमेटली क्या होने हैं एनस से डिफिकेट होने हैं एनस से बाहर एलिमिनेट होने हैं सो so, उस उसके लिए एलिमिनेशन के लिए जो पेरिस्टेलिस होती है जो मूवमेंट होती है लार्ज इंटेस्टाइन में उसको बोलते हैं मास पेरिस्टेल्सिस जो कि एक लार्ज मूवमेंट होती है जिसकी वजह से फीस अल्टीमेटली प्रोपेल हो जाते हैं एलिमिनेट हो जाते हैं यूजली दिस मूवमेंट अकर ओनली फ्यू टाइम्स एवरी डे सो ये मूवमेंट बहुत कम होती है थ्री टू फोर टाइम्स होती है ये मूवमेंट्स पर डे पे और यूजली ये अर्ली मॉर्निंग होती है मूवमेंट्स नाउ व्हाट इज़ डी रिफ्लेक्स रिफ्लैक्स रिफ्लेक्स क्या होता है मास मूवमेंट ड्राइव फीसीज इनटू सिग्मोइड कलोन सो मास मूवमेंट की वजह से ये जो फीसिज है सिग्मोइड कलोन में आ जाते हैं सो so ये सिग्मोइड कलोन है जो कि एंड या फिर टर्मिनल पोर्शन है लार्ज इंटेस्टाइन का जहाँ पर फीसिस स्टोर होते हैं टेम्प्ररी टाइम के लिए और यहाँ पर जब मास मूवमेंट होती है तो सो so कुछ फीसिस क्या होती है रेक्टम में आ जाते हैं जिसकी वजह से एक डिज़ायर होती है डिफ़िकेशन की डिज़ायर होती है स्टूल्स को पास करने के लिए सो अल्टीमेटली मास मूवमेंट से क्या होता है स्टूल्स एनस से एलिमिनेट हो जाते हैं डीफिकेट हो जाते हैं जिसको बोलते हैं डीफिकेशन रिफ्लेक्स सो डीफेसन रिफ्लेक्स में दो स्विंक्चर्स होते हैं एन में इंटरनल स्विंक्चर और एक्सटर्नल स्विंचर सो जो इंटरनल या फिर इंट्रेंसिंग स्विंचर होता है वो इन कंट्रोल में होता है और जो एक्सट्रेंसिंग या फिर एक्सटर्नल स्विंचर होता है वो वॉल्यूनट्री कंट्रोल में होता है एंड अल्टीमेटली जो फीसिस या फिर स्टूल्स हैं वो हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाते हैं जिसको बोलते हैं डीफिकेशन या फिर डीफिकेशन रिफ्लेक्स So, if you understood this video, please like, subscribe, and share my channel. Also, do support women empowerment. Thank you for watching.